पहुंच चुके हैं अजंता केव्स में। सो लगभग देर इज़ अ 110 किलोमीटर डिस्टेंस फ्रॉम संभाजीनगर। सो फ्रेंड्स, वही बस में अपन बैठ चुके हैं अभी, जो बस शटल पॉइंट था। अभी वहाँ से अपन जाएंगे आगे टूवर्ड द केव्स, द इंफॉर्मेशन ऑफ द केव्स, सो यू कैन सी। सो फ्रेंड्स, एज पर द हिस्ट्री, जिसका जो फर्स्ट फेज हुआ था, जो एक केव्स है जिनका निर्माण कार्य हुआ था, वो दूसरी शताब्दी में हुआ था। जो टाइमिंग है फ्रेंड्स, इज 9 AM to 5:30 PM। सो फ्रेंड, जस्ट वी एक्सप्लोर द नंबर 4 केव। सो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो अभी अपन पहुंच चुके हैं अजंता केव्स में। सो लगभग देर इज़ 110 किलोमीटर डिस्टेंस फ्रॉम संभाजीनगर। सो फ्रेंड्स, वी टुक द बस एट 7 AM इन द मॉर्निंग। सो ऑलमोस्ट 2 घंटे में अपन पहुंच चुके हैं अजंता केव्स। सो दिस इज द पार्किंग एरिया। सो वी आर एट द स्पॉट। सो अपन अभी जा रहे हैं यहाँ से अजंता केव्स के लिए। सो आगे जाके अपने को बस मिलेगा विच ड्रॉप अस टू द केव्स पॉइंट। सो जो टिकट है फ्रेंड्स फॉर इंडियन रेसिडेंस, देर इज़ 15 rupees। सो टिकट निकाल के अभी हम जा रहे हैं पार्किंग की तरफ, जहाँ से अपने को बस पिकअप करना है, तो जाएंगे। सो स्टे ट्यून फ्रेंड्स, क्योंकि आज का वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज को मैं आपको अजंता केव्स का पूरा हिस्ट्री, इन्फॉर्मेशन, एक्सप्लोरेशन अपन टोटली करेंगे, एंड आई एम ट्राइंग टू गिव ऑल द इन्फॉर्मेशन। सो चलते आगे, थैंक्स। सो फ्रेंड, दिस इज़ द कार पार्किंग विच यू कैन सी, दिस इज़ अ प्रेशियस कार पार्किंग हेयर। यहाँ से अपने को बस मिलेगा, सो बस पिकअप करके अभी आगे जाएंगे। फ्रेंड, दिस इज़ द शॉपिंग प्लाजा। जैसे अपन एंटर करते हैं, सो अपने को खाने पीने का जो भी अपने सामान वगैरह लेना है, यहाँ पे पुलिस चौकी भी फ्रेंड। सो दिस इज़, यहाँ पे गेस्ट हाउस भी है, शटल बस स्टॉप इज अहेड। सो दिस इज द शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एंड आते वक्त। सो आप देख पा रहे हैं, दिस इज द एंट्रेंस एरिया, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग मॉल अपन बोल सकते हैं इसको। ठीक है, ठीक है, ओके ओके। हाँ, मैं आते वक्त आ रहा हूँ। सो आप देख पा रहे हैं जो स्कल्पचर वगैरह है फ्रेंड्स, एकदम सुंदर सुंदर मूर्तियाँ वगैरह, इज बैग्स एंड ऑल, एंड इज द हैंडीक्राफ्ट शॉप। आते वक्त जाऊँगा मैं, जाना है आगे। ओके ओके। सो जो बस शटल है फ्रेंड्स, इसका जो वे है, सो अपने को अभी जाना है टू पिकअप द शटल बस। तो यहाँ से ऑलमोस्ट 2-3 किलोमीटर का डिस्टेंस रहेगा आई थिंक। सो बस पकड़ के अपन जाएंगे ऊपर। सो फ्रेंड्स, टोटली यहाँ पे 29 केव्स है। अभी 26 इज ओपन। जो 3 केव्स है फ्रेंड्स, वो बंद है अभी, आई डोंट नो द रीज़न। सो जो टोटली जो क्राफ्ट किया है फ्रेंड्स, जो केव्स है वो तो टोटली जो पत्थर है, पत्थर से क्राफ्ट किया हुआ है। सो इट इज़ अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इट इज़ द फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ इन इंडिया, अजंता केव्स। तो काफ़ी हिस्टोरिकल प्लेस है। इट इज़ अराउंड 110 किलोमीटर फ्रॉम संभाजीनगर, एंड जो नियर बाय सिटी है इट इज़ जलगांव, 60 किलोमीटर फ्रॉम हियर, एंड 70 किलोमीटर इज़ भुसावल। सो आप जलगांव से भी आ सकते हैं यहाँ पे। और अजंता एंड एलोरा केव्स इज अ वेरी हिस्टोरिक प्लेसेस ऑफ दिस एरिया। सो आज अपन करने वाले हैं अजंता, और कल करेंगे अपन एलोरा केव्स। सो चलते हैं फ्रेंड्स आगे। अपनी अब जो शटल बस का जो स्टॉप है वो आ चुका है, एंड दिस आर द बसेस। सो फ्रेंड्स, थोड़ा रुकते हैं अभी यहाँ पे, जैसे ही बस आएगा अपन जाएंगे आगे। सो फ्रेंड्स, वही बस में अपन बैठ चुके हैं अभी, जो बस शटल पॉइंट था। अभी वहाँ से अपन जाएंगे आगे टूवर्ड द केव्स, अजंता केव्स के लिए। सो फ्रेंड्स, करंटली वी रीच एट द स्टॉप,
सो अजंता केव्स पे अपन पहुंच चुके हैं अभी, यहाँ से अपन को जाना है आगे। सो यू कैन सी इन माई बैक द विश्व धरोहर अजंता केव्स, यहाँ का जो स्टार्टिंग पॉइंट है एंड दिस इज द बुकिंग काउंटर्स एंड ऑल। सो अभी चलते हैं, यहाँ पे टिकट निकालते हैं और चलते आगे। सो यू कैन सी द व्यू, सो दिस इज द एरिया। सो अभी अपने को चलना है ऊपर। सो फ्रेंड जैसे अपन एंटर करते हैं, दिस इज द इंफॉर्मेशन ऑफ द केव्स। सो यू कैन सी द स्ट्रक्चर, सो जो केव्स नंबर एंड उसका जो डिस्क्रिप्शन दिया है यू कैन सी इन दिस, एंड दिस इज द इंफॉर्मेशन इज गिवन इन द रीजनल लैंग्वेजेस। सो फ्रेंड्स द अनदर एंट्री टिकट फ्रॉम हियर टूअर्ड द केव्स इज ₹40 फॉर इंडियन रेसिडेंट्स। सो ₹40 का जो टिकट है फ्रेंड्स, वो अपन ने एंट्री फी का टिकट जो है वो ले लिया है। अभी यहाँ से अपन चलते आगे। सो यहाँ अपन देख सकते हैं, यहाँ पे रेस्टोरेंट भी है एंट्री पॉइंट पे, एंड जो केव्स का रास्ता है फ्रेंड्स यहाँ से स्टार्ट होता है। तो चलते हैं अभी आगे। दिस इज द लोकेशन एंड इंफॉर्मेशन ऑफ दिस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। सो फ्रेंड्स जो आप शेप देख पा रहे हैं जो केव्स का है, इट इज़ लाइक द हॉर्स, जो जो घोड़े की नाल होती है फ्रेंड्स हॉर्स की। सो उसके जैसा है इसका शेप है, घोड़े की नाल जैसा, जो 29 केव्स है यहाँ की। सो टिकट निकल के अभी अपन जाएंगे आगे। फ्रॉम दिस पॉइंट इट इज स्टार्टेड द ट्रैकिंग। सो जो फ्रेंड्स एजड यात्री होते हैं उनके लिए ये पोर्टर चार्जर सहायक, जो आप देख सकते हैं कुर्सी वगैरह का जो डोली बोलते हैं इसको अपन, इसका भी इंतज़ाम किया है यहाँ पे फॉर एजड पीपल हु आर नॉट एबल टू क्लेम अप, जो चढ़ नहीं पाते ऊपर उनके लिए। एंड दिस आर द स्टेयर्स। सो स्टेयर्स से अभी अपने को आगे जाने का है। सो जो ट्रेकिंग है फ्रेंड्स, इट इज स्टार्टेड फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ अजंता केव्स। सो चलते देखते हैं कैसा है यहाँ का, करते हैं टोटल एक्सप्लोर एंड आई एम गिविंग यू द टोटल इंफॉर्मेशन दिस प्लेस। सो फ्रेंड्स जो आप एरिया देख रहे हैं इस अजंता केव्स का, सो चारों तरफ देर इज़ अ फॉरेस्ट, जंगल एरिया है। एंड जो आप नीचे देख पा रहे हैं नदी, यहाँ से आपने को देखेगा। सो फ्रेंड्स एज पर द हिस्ट्री, जिसका जो फर्स्ट फेज हुआ था, जो एक केव्स है जिनका निर्माण कार्य हुआ था, वो दूसरी शताब्दी में हुआ था। और जो सेकंड फेज हुआ था वो 4th century में हुआ था, अराउंड 460 to 480 BCE। सो इट इज़ क्वाइट हिस्टोरिक प्लेस। सो आप सामने देख पा रहे हैं, दिस इज़ द व्यू ऑफ अजंता केव्स। सो अभी अपने को जाना है आगे। सो करेंगे टोटल जो भी 26 केव्स हैं उसका एक्सप्लोरेशन वन बाय वन। सो स्टे ट्यून फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स जो आप देख पा रहे हैं नीचे, दिस इज़ द वागूर रिवर और उसका ये बैंक, उसके जो नदी का परिसर है उसके बाजू में ही है अजंता केव्स आर देयर, वागूर रिवर। एंड दिस इज़ द जो केव्स है अजंता के, फ्रॉम दिस पॉइंट इट इज स्टार्टेड। सो करते एक्सप्लोर वन बाय वन। सो बहुत सारी सूचना वगैरह दी हुई है यहाँ पे। जो टाइमिंग है फ्रेंड्स इज 9 AM to 5:30 PM ऑफ द केव्स। सो इस टाइमिंग में आप आ सकते हैं और मंडे को एक क्लोज रहता है। सो फ्रेंड्स जो फर्स्ट केव्स है बुद्ध कलेनी क्रमांक फर्स्ट, वो अपन ने एक्सप्लोर की अभी जस्ट। इसके बाद अपन जाएंगे और जो वन बाय वन करेंगे अपन, जो टोटल 26 केव्स है वो एक्सप्लोर करेंगे। एक्चुअली अंदर वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी इज़ नॉट अलाउड स्पेशली,
बिकॉज अंदर हम जो जो देखा फ्रेंड्स, और जो बुद्धिस्ट कल्चर्स है, जो पेंटिंग्स है ओल्ड, उसको प्रिजर्व करने के लिए फ्लैशेस आर नॉट अलाउड एंड स्ट्रिक्टली फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी इज़ नॉट अलाउड इन साइड. सो अंदर बहुत अच्छे जो पेंटिंग्स है फ्रेंड्स, हिस्टोरिक पेंटिंग्स बुद्धकालीन, वो है अंदर एंड इज़ वेरी मच प्रिजर्व टिल डेट. थोड़े बहुत तो इसका इफेक्ट हुआ है हिस्ट्री का. एक्चुअली यू नो 200 से 400 BCE जो हिस्टोरिक पीरियड था, उस टाइम के ये गुफाएं हैं. सो यू गॉट द आइडिया हाउ ओल्ड दे आर. सो प्रिजर्वेशन के लिए अंदर थोड़ा ये मेंटेन करते हैं जो भी चीज़ें हैं, मगर बहुत सुंदर फ्रेंड्स यहाँ की जो केव्स है. यहाँ से स्टार्ट होती है फ्रॉम सेकंड नंबर केव. सो करते हैं अभी एक्सप्लोर, आगे जाएंगे जो भी है. सो फ्रेंड्स, यहाँ से दरवाज़ा एक्चुअली बंद है ऊपर जाने के लिए. सो बाहर से अपन अपने को देखना पड़ेगा. आई थिंक इट इज़ क्लोज एक्चुअली. सो नंबर वन एंड नंबर टू की जो गुफाएं हैं फ्रेंड्स, केव्स है, वो एक्सप्लोर कर चुके हैं अपन लोग. सो अंदर पे जो मोस्ट ऑफ द बुद्धिस्ट पेंटिंग्स एंड ऑल है, स्कल्पचर है. सो टाइम के अनुसार वो थोड़े बहुत ख़राब हो चुके हैं. सो उसको प्रिजर्व करने के लिए ये लोग बहुत अभी मेहनत कर रहे हैं, यूनेस्को एंड इंडियन गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट एक्चुअली. सो जैसे मैंने आपको बोला, अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी इज़ नॉट अलाउड एक्चुअली, एंड स्पेशली फ्लैश ऑन करना इज नॉट अलाउड. सो फोटो जो अंदर जो है बहुत अंधेरा है. सो अंदर अपन वीडियो नहीं कर सकते विदाउट फ्लैश, बिकॉज देयर इज टोटली डार्क इनसाइड. सो चलते अभी आगे, जो आगे की गुफाएं है, जो एरिया है, वो एक्सप्लोर करेंगे अभी यहाँ से. एंड दिस इज़ द वे टू गो अहेड. सो फ्रेंड, जस्ट वी एक्सप्लोर द नंबर 4 केव. नंबर 4 का जो लेनी है, इट इज़ एक्चुअली द बिगेस्ट केव आउट ऑफ द 26 और 29 जो भी है, सबसे बड़ा. एक्चुअली इसको संगीत महल बोलते हैं फ्रेंड, संगीत गुफा. सो सबसे बड़ा केव नंबर 4 का अपन ने जस्ट एक्सप्लोर किया अभी. इट इज़ वेरी मैग्निफिशेंट एंड वेरी गुड. एक्चुअली मोस्ट ऑफ द फॉरेन टूरिस्ट ऑल्सो कमिंग हेयर टूडे फॉर द एक्सप्लोरेशन एंड ऑल. सो बहुत अच्छा लग रहा है अभी यहाँ पे. सो चलते हैं अभी आगे. अभी अपने को मोस्ट ऑफ द जो केव्स है अपना बाकी है एक्सप्लोरेशन. सो फ्रेंड्स, चार जो अपना केव्स था वो एक्सप्लोरेशन करने के बाद अभी अपन जा रहे हैं आगे. सो अभी अपने को उस पॉइंट तक जाना है, आप अगर देख सकते हैं. सो लास्ट का गुफा वहाँ तक है, और उसके आगे जो तीन गुफा है उसका रास्ता बंद है एक्चुअली. सो जो लार्जेस्ट केव्स है यहाँ का नंबर 4 का, वो जस्ट अपन एक्सप्लोर किया अभी, जिसको संगीत गुफा भी बोलते हैं, जहाँ पे उस टाइम में नृत्य वगैरह का प्रोग्राम होते थे फ्रेंड्स, जैसे कि गाइड ने बताया हमको. सो एक्सप्लोर करने के बाद अभी आई थिंक दिस इज़ द नंबर 5 केव. इट इज़ स्मॉलेस्ट वन आई थिंक, नंबर 5th. सो आई डोंट नो इट इज़ केव और समथिंग. इट इज़ द आई थिंक रेस्ट एरिया. सो फ्रेंड्स, दिस इज़ द नंबर 6 केव. यहाँ पे दिया भी हुआ है नंबर 6. सो इसको बोलते हैं फ्रेंड्स शिवा गुफा नंबर 6. तो करते एक्सप्लोर अंदर जाके. सो अभी यहाँ से अपने को ऊपर जाना है फ्रेंड.
इट्स कम्प्लीटली डार्क हियर, सो संभल के अपने को जाना पड़ेगा ऊपर। सो जैसे कि गाइड ने बताया जो नंबर 6 का गुफा है, यहाँ पे साउंड इको होता है, कुछ भी अपन बोलेंगे तो इट्स विल इकोइंग। सो इट इज़ वेरी यूनिक केव नंबर 6, इसको शिव गुफा भी बोलते हैं फ्रेंड। अभी अपन ऊपर आ चुके हैं इस गुफा के। यू कैन सी द नंबर 6 केव। दिस इज द इनसाइट ऑफ द केव। सो जो स्कल्पचर वगैरह आप देख पा रहे हैं, जो कम्प्लीटली क्राफ्ट किए हैं स्टोन में से, एंड दिस इज द गौतम बुद्धा जी स्टैचू। सो फ्रेंड वन मोर थिंग विच आई वुड लाइक टू टोल्ड यू इज़ दैट जो भी सब गुफाएं हैं उसमें अलग अलग मूर्तियाँ स्टैचू है गौतम बुद्ध जी की। सो जो उसके उनके जो भाव है फ्रेंड वो अलग अलग है सब इसमें। अगर आप गौर से देखेंगे उन मूर्तियों को तो उनके जो भाव होते हैं वो आपको प्रतीत होंगे, जो काफ़ी अलग अलग इसमें वो विराजमान हुए हैं। सो जो टाइम था उसका, जैसे मैंने आपको बताया जो ये केव्स है 200 से 400 BCE उस टाइम के हैं। सो उस टाइम में जो ये क्राफ्ट का जो साइंस होगा फ्रेंड्स वो कितना अच्छा और कितना ये होगा, आप इससे इंडियन आर्कियोलॉजी जो इंडियन हिस्ट्री है फ्रेंड उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं यहाँ से। सो जो स्कल्पचर है पेंटिंग्स है यहाँ की, इट इज़ वेरी मैग्निफिसेंट और आपको दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेंगी ऐसे स्कल्पचर एंड पेंटिंग्स। और टोटली फ्रेंड जो यहाँ का जो स्टोन है ब्लैक स्टोन, उसमें से काव आउट करना, इट इज़ कम्प्लीटली आप देख सकते हैं सामने, ये कम्प्लीटली जो माउंटेन है माउंटेन का जो स्टोन होता है फ्रेंड्स ब्लैक स्टोन, उससे क्राफ्ट किए हैं टोटली जो ये केव्स है। सो बहुत डिफ़िकल्ट वर्क इट इज़, और उस दौर में ऐसा कुछ कारनामा करना इट इज़ क्वाइट एब्सोल्युटली अमेजिंग। सो जो मेरे पीछे देख पा रहे हैं आई थिंक इट इज़ नंबर 7 केव। सो फ्रेंड्स ऐसा बोलते हैं कि एक्चुअली ऑलमोस्ट देर आर 3 आवर्स टेकन फॉर द वर्ल्ड टूर, जो टोटल टाइम लगता है 3 घंटे लगता है एक्सप्लोरेशन के लिए, 26-27 केव्स एक्सप्लोर करने के लिए। सो अभी अपन आ चुके हैं 7th केव की तरफ। एक्चुअली इट इज़ क्लोज आई थिंक, जो अपन बैरियर देख रहे हैं अंदर जाने का परमिशन आई थिंक नहीं है यहाँ पे। सो यहाँ से चलते हैं अपन आगे। सो अगर आप ऊपर से देखेंगे तो इसका जो शू का ये होता है फ्रेंड्स हॉर्स शू, घोड़े की नाल, उसके जैसा शेप है यहाँ के जो केव्स है अजंता के, उनका घोड़े के नाल जैसा शेप में बनाया है पूरा ये। और आई थिंक दिस आर द अनदर केव्स, आई थिंक 8 नंबर केव्स इट इज़। सो जो स्कल्पचर है फ्रेंड जो कारागिरी है वो आप देख सकते हैं, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, इट्स टोटली क्राफ्टेड इन द स्टोन। सो चलते हैं 8 नंबर की जो केव है उसको देखने के लिए। सो दिस इज द नंबर 9 केव। सो यहाँ पे स्तूप आपको दिख रहा है बौद्ध स्तूप, इस जो नंबर 9 9 की केव है उसमें। सो फ्रेंड जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं दिस इज़ नंबर 10 केव। इट इज़ सबसे जो ओल्ड केव है फ्रेंड, इट इज़ दिस नंबर 10 केव, सबसे पुरानी वाली।
सो देखते हैं जो ओल्डेस्ट केव है आगे सबसे पहली वाली वो कैसे अंदर से। इट इज़ क्वाइट प्रोटेक्टेड जैसे कि अपने दिख रहा है। चलते हैं अंदर देखते हैं। सो फ्रेंड्स करंटली अपन एक्सप्लोर किया नंबर 10 का जो चैत्य गृह है, ओल्डेस्ट गुफा इन अजंता केव्स, इसको एक्सप्लोर किया अपन ने। तो ये चैत्य गृह है फ्रेंड्स। सो चलते हैं अभी आगे यहाँ से। दिस इज़ द वे टू गो फर्दर अहेड। सो फ्रेंड्स यहाँ पे एक अच्छी बात है, जो भी गुफाएं हैं जो एंट्री के टाइम है, सो इन्फॉर्मेशन इज़ गिवन इन रीजनल लैंग्वेजेस। सो इन्फॉर्मेशन पूरा दिया हुआ है यहाँ पे, जो भी गुफाएं हैं उसकी जो यूनिकता विविधता है फ्रेंड्स। सो उनका इन्फॉर्मेशन हमको यहाँ पे मिलता है देखने के लिए। सो अभी अपन आ चुके हैं आगे। आई थिंक दिस इज़ द केव नंबर 11। सो अभी अपन आ चुके हैं नंबर 15 की केव उसमें, नंबर 15। सो ऐसा कुछ नज़ारा है बाहर से। इन एवरी केव फॉर वीडियोग्राफी इज नॉट अलाउड इन साइड। सो अपन बाहर से ही कुछ शूटिंग्स वगैरह ले रहे हैं। सो आप कुछ देख पा रहे होंगे, तो इट इज़ कम्प्लीटली डार्क इन साइड। सो फ्रेंड्स वी स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट एंड अभी अपन आ चुके हैं मिड वे तक। सो नंबर 15-16 का अपना जो केव्स है एक्सप्लोरेशन हो चुका है। सो अभी कुछ 10-12 जो केव्स है वो बची होगी, तो चलते हैं आगे। सो आप देख पा रहे हैं इज द क्राफ्ट एलिफंट। सो ये भी कम्प्लीटली मतलब इसमें किया हुआ है, स्टोन में क्राफ्ट किया हुआ है दोनों तरफ। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं एलिफंट। सो जो केव्स है फ्रेंड्स इज़ अ वेरी यूनिक, और दिस इज़ आई थिंक गणपति जी का स्टैचू है। दिस इज़ नो 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 एक्चुअली इट इज़ गौतम बुद्धस जो बैठे हुए हैं उस स्वरूप में। और यहाँ से ऊपर जाना पड़ेगा अपने को अभी। सो फ्रेंड्स चलते चलते अभी अपन आ चुके हैं नंबर 19, हाँ 19 नंबर की जो केव है वहाँ तक। सो काफ़ी सुंदर लग रहा है बाहर से। यू कैन सी द 19 नंबर केव ऑफ अजंता। सो फ्रेंड्स 19 नंबर का जो केव है वो एक्सप्लोर करने के बाद जहाँ पे बौद्ध स्तूपा थे, अभी अपन जा रहे हैं आगे। यहाँ पे अपने को जो वाटर दिख रहा है स्प्रिंग वाटर डायरेक्टली ड्रिफ्टिंग डाउन फ्रॉम द माउंटेन्स। दिस इज नंबर 20 नंबर केव, और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो पानी आ रहा है माउंटेन से इट इज़ डायरेक्टली ड्रिफ्टिंग डाउन फ्रॉम हियर। सो जो रेनी सीजन है फ्रेंड रेनी सीजन में बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। उस पॉइंट से अपन ने स्टार्ट किया था एक्चुअली। सो करते करते अपन अभी आ चुके हैं नंबर 20-21 केव्स की तरफ। सो बाहर से ऐसा दिखता है फ्रेंड जो इधर के केव्स है, दैट्स नंबर 23 केव। सो 23 करके अपन अभी जा रहे हैं आगे। अभी कुछ 3 से 4 लिया केव्स ही बची फ्रेंड्स 26 में से। सो आई थिंक दिस पॉइंट इज़ लास्ट जो आप देख पा रहे होंगे।
उससे आगे बंद है, जो आगे के केव्स है वो आप जाने का जो रास्ता है फ्रेंड्स, देर इज़ नो वे टू गो देयर, सो लास्ट केव यहाँ तक ही है। सो 23 अपन ने किया, दिस इज 24 आई थिंक, 24 नंबर केव। या दिस इज द 24 नंबर केव। तो नेक्स्ट तीन तीन जो केव्स बची है उसकी तरफ जाने का, दिस इज़ द फाइनल वे। सो जो आखिरी के दो तीन केव्स बचे हैं फ्रेंड्स, उसको करेंगे एक्सप्लोर। या सो वी रीच द फाइनल समिट पॉइंट। सो सामने आप देख पा रहे हैं जो कि लास्ट केव्स है यहाँ की, अजंता की, नंबर 26 केव। दिस इज इट इज़ क्वाइट मैग्निफिसेंट। सो फ्रेंड्स वी जस्ट एक्सप्लोर द नंबर 26 विच इज़ द लास्ट केव इन द अजंता केव्स। सो अंदर पे अपन ने देखा जो निद्रावस्था में बुद्ध जी का जो स्टैचूज वगैरह है वो है यहाँ पे नंबर 26 पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इज द वे इज क्लोज टूअर्ड द केव्स नंबर 27 ऑनवर्ड्स। सो जो दो तीन केव्स है आगे के, इट इज़ एक्चुअली क्लोज डाउन। आई डोंट नो द रीज़न, एक्चुअली सिक्योरिटी रीजन इज देयर। और जो वे आगे जाने का वो भी एक्चुअली थोड़ा ख़राब है, सो बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजन, सेफ्टी रीजन्स, दे आर नॉट अलाउड टू अलाउ फर्दर टू गो फ्रॉम केव नंबर 26। सो जो एक्सप्लोरेशन है अपना अजंता केव्स का, इट इज़ ऑलरेडी कम्प्लीटेड। सो आज के वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। सो इट टुक अस ऑलमोस्ट टू टू थ्री आवर्स फॉर टोटल एक्सप्लोरेशन ऑफ दिस एरिया ऑफ अजंता केव्स। सो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल। कल अपन जाने वाले एलोरा केव्स में। सो सीरीज कंटिन्यू रखिए फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग टूडेज वीडियो। सो सी यू टुमारो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।